हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं 2018 के क्वेश्चन से। 2018 का क्वेश्चन है कि आयरन एग्जिबिट्स बीसीस स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर अबाउ 900 डिग्री सेंटीग्रेड, इट ट्रांसफॉर्म टू एफसीसी। रूम टेम्परेचर पे ये बीसीसी स्ट्रक्चर है और 900 डिग्री से ऊपर एफसीसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो अगर रूम टेम्परेचर पे इसकी डेंसिटी D1 है और 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर D2 है, तो D1 और D2 का रेशियो फाइंड करना है। रेडियस यहाँ पे बोल रहा है वो कि अज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन रिमेंस कांस्टेंट विद टेम्परेचर। मोलर मास और रेडियस पे टेम्परेचर का इफेक्ट अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास है, जेड एम अपॉन एन एन टू ए क्यू। बी सी सी स्ट्रक्चर में Z की वैल्यू कितनी होती है? 2। मोलर मास एज इट इज, एवोगैड्रोस नंबर और A एज लेंथ है। तो बी सी सी स्ट्रक्चर में 4R इक्वल्स टू क्या होता है? रूट थ्री ए। तो A इक्वल्स टू क्या हो गया? 4R बाय रूट थ्री। ये A की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरीके से D2 फाइंड करना है। D2 मींस FCC स्ट्रक्चर में। तो जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। जेड कितना होगा FCC के लिए? 4। मोलर मास एज इट इज, एवोगैड्रोस नंबर एज इट इज, ए मीन्स एज लेंथ। तो एफ सी सी स्ट्रक्चर में रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन है 4R इक्वल्स टू रूट टू ए। इट मीन्स ए इक्वल्स टू 4R अपॉन रूट टू। ये ए की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो हो गया 4R अपॉन रूट टू का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं तो रेशियो आएगा 3√3:4√2। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ये ऑप्शन अपना 3√3/4√2, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फोर्थ। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। लिथियम हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर। लिथियम की कैसी स्ट्रक्चर है? बीसीसी। डेंसिटी कितनी गिवन है? 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एटॉमिक मास कितना गिवन है? 6.94 ग्राम पर मोल। और एज लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी इक्वल्स टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। Z means number of particles in one unit cell। तो BCC structure में Z कितना होगा? 2। Molar mass कितना given है? 6.94। Avogadro's number 6.022 × 10⁻³। और A edge length find करनी है। Density given है, कितनी given है? 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे अपन ग्राम यूज कर चुके हैं तो इसकी यूनिट चेंज करेंगे। 530 इंटू किलोग्राम की जगह ग्राम और मीटर क्यूब की जगह ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी की जगह पुट कर देंगे। 530 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 2 इंटू 6.94 अपॉन 6.022 × 10⁻³ इंटू ए क्यूब। यहाँ से अपने पास क्या जाएगा? ए कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द आयनिक रेडिया ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस आयन्स आर। कैटायन की और एनायन की रेडियस गिवन है। कैटायन के 0.98 × 10⁻¹⁰ मीटर और एनायन की है 1.81 × 10⁻¹⁰ मीटर। द कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैटायन की
रेडियस और एनायन की रेडियस गिवन है, और क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे करेंगे? अपने पास जो रेडियस रेशियो का रेंज है जो अपन ने पढ़े थे 0.1552.225, 0.225 to 0.414, 0.414 to 0.732 और 0.732 to 1, ये हमको वॉइड किस टाइप की है इसकी भी इंफॉर्मेशन देगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्योंकि जिस वॉइड में कोई पार्टिकल जाएगा वो कैटायन होगा और उसको सराउंड करने वाले कौन होंगे? एनायन। तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हम फाइंड कर सकते हैं उसकी वॉइड के टाइप के बेसिस पे कि वो किस वॉइड में जा रहा है। जैसे मैं कहता अगर ट्राइगोनल वॉइड में कोई कैटायन प्रेजेंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता 3। टेट्राहेड्रल में अगर कोई कैटायन है तो 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर कोई कैटायन है तो 6, और क्यूबिक वॉइड में अगर कोई कैटायन है तो 8। तो यहां सबसे पहला अपना काम होगा कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो फाइंड करना। ये कैंसिल आउट, ये 98/181। अब ये जिस भी रेंज में आएगा 0.155 से 0.225 या 0.225 से 0.414 या 0.414 से 0.732 या 0.732 to 1, उस रेंज में हम देखेंगे। तो यहाँ ये आंसर जाएगा 0.414 से 0.732 के बीच में। इसको सॉल्व कर लेना, अप्रॉक्स 0.5 के आसपास आएगा ये। तो अगर सॉल्व करते हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, या वॉइड का टाइप क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा अपना 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स द वेकेंट स्पेस इन बीसीसी की अपन ने पैकिंग इफिशियंसी पढ़ी है। पैकिंग इफिशियंसी मीन्स कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो 68% यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से, तो वेकेंट स्पेस कितना हो गया? 68% कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो एम्प्टी स्पेस इज 32। तो आंसर हो गया 3rd ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट विथ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ ऑफ 361 इफ देर आर 4 मेटल एटम्स। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ देर आर 4 मेटल एटम्स इन वन यूनिट सेल, 4 मेटल एटम्स इन वन यूनिट सेल, ये किसकी डेफिनेशन में आता है अपने पास? FCC की, FCC की एक यूनिट सेल में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ कितनी गिवन है? 361 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम, रेडियस पूछा है। तो FCC स्ट्रक्चर के लिए, FCC के लिए 4R इक्वल टू क्या होता है? √2a, 4R इक्वल टू √2, और a की वैल्यू कितनी की होना है? 361। तो R इक्वल टू क्या? √2 × 361/4, ये आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर एटम इन द क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9th, BCC स्ट्रक्चर कौन सी गिवन है? BCC। अब यहां BCC स्ट्रक्चर में अगर बात करते हैं, BCC स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होंगे? 8 कॉर्नर्स
और एक सेंटर में, क्यूब सेंटर में। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एंड द कॉर्नर, ये फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है ये डिस्टेंस। और अपने पास कौन सा डिस्टेंस नोन है, ये वाला, ये कितना होता है, ये है क्यूब डायगोनल। क्या है, क्यूब डायगोनल। और क्यूब डायगोनल कितना होता है, √3a। और इस √3a में कितनी रेडियस आ रही है अपने पास, 4, यानी 4r = √3a। लेकिन फाइंड क्या करना है अपने को यहां पर, क्वेश्चन है इस सेंटर, बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी क्या फाइंड करना है, 2r फाइंड करना है, 2r फाइंड करना है। तो 2 × 2r = क्या, √3a। ये 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, तो 2r = क्या हो गया, √3a/2। और यही फाइंड करना था, ये आंसर अपना। क्लियर है, द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर पार्टिकल एंड कॉर्नर पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ मेटल हैज अ FCC, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज, एज लेंथ गिवन है 404 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ द मेटल डी गिवन है 2.72, और द मोलर मास ऑफ द एटम, मोलर मास फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, जेड एम अपॉन Na/a³। डेंसिटी गिवन है, FCC में जेड कितना हो जाएगा, 4। मोलर मास फाइंड करना है, Na अपने को पहले ही पता है और a की वैल्यू वो दे रहा है, तो मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, 2.72 = जेड कितना हो गया, 4 FCC में, ये मोलर मास 6.02 × 10²² a की जगह पुट कर दिया 404 पिकोमीटर में, 10²-12। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्यों करेंगे सेंटीमीटर में चेंज, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज की है, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसीलिए मेरे पास जो a आएगा वो भी कितना आएगा, 404 × 10²-12, ये तो हो गया मीटर में, 404 × 10²-12 × 100 हो गया सेंटीमीटर में, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, ये सेंटीमीटर और ये क्यूब। अब कितने अननोन है, एक, सॉल्व करेंगे आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड, डायमंड की वन यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो डायमंड की स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी है। तो डायमंड की स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में 8 कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, 8 कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, 6 कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर पे। 8 कहाँ पे, कॉर्नर, 6 कहाँ पे, फेस सेंटर, और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आउट ऑफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय कार्बन पार्टिकल्स, 4 ऑक्यूपाइड बाय कार्बन पार्टिकल्स। या मैं कहता हूँ जितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स अपने पास है उसकी हाफ ऑक्यूपाई करता है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया अपने पास, 8 कार्बन पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल ऑफ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ मेटल क्रिस्टलाइजेज विद एफ सी सी, एफ सी सी स्ट्रक्चर में
एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ गिवन है 408 पिकोमीटर। द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम, डायमीटर फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ सी सी स्ट्रक्चर के लिए वी नो दैट 4R इक्वल्स टू रूट 2A और डायमीटर क्या होता है 2R, तो मैं इसको कैसे लिख दूं 2 × 2R इक्वल्स टू रूट 2A। फाइंड क्या करना है, डायमीटर मीन्स 2R, तो रूट 2A/2, रूट 2A/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी गिवन है 408 पिकोमीटर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज सीसीपी स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम, तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि एफसीसी या सीसीपी स्ट्रक्चर में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, यानी 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ में कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिलेटेड होगी, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिलेटेड होगी। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट, पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर, तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज सीसीपी स्ट्रक्चर है, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस, ये सीसीपी स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, ऑक्साइड आयन, यानी अपने पास ऑक्साइड आयन का नंबर कितना हो गया 4 ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है अपने पास। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी अपने पास 8 का 1/4 ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट, डाइवेलेंट एटम ए एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास कितनी होती है 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट एटम बी, मोनोवेलेंट एटम बी। क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड इज, ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो अपने पास ए कितने हो गए A2+ हो गए 2, 4B+ और 4O2-, तो A2B4O4, सिंपलेस्ट रेशियो आएगा A1B2O2, क्लियर है A1B2O2, ये सिंपलेस्ट रेशियो 2012 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉलिड कंपाउंड एक्स वाई हैज NaCl स्ट्रक्चर, इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इज, कैटायन की रेडियस कितनी है 100 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ द एनायन, एनायन की रेडियस पता करनी है, स्ट्रक्चर कैसी है NaCl, NaCl मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और वॉइड कैसी हो गई ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो क्या यूज करते हैं 0.414, कैटायन 100 पिकोमीटर, एनायन फाइंड करना है, एनायन का वैल्यू हो गया 100/0.414। क्लियर है,
रेडियस रेशियो अपने पास पहले से है, कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का रेशियो कैसे पता पड़ा? NaCl, NaCl मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो होता है 0.414, कैटायन की गिवन है, एनायन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी क्रिस्टलाइजेस, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ए बी क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर BCC स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ए इक्वल टू ए गिवन है 387 पिकोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस, तो दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो BCC के लिए अपन पढ़ते हैं 4R इक्वल टू √3A, लेकिन इस 4R में अगर कैटायन और एनायन BCC स्ट्रक्चर है तो दो रेडियस होगी कैटायन की और दो रेडियस होगी एनायन की, यानी 4R की जगह 2R प्लस प्लस 2R माइनस इक्वल टू क्या बोलेंगे √3A, यहां से 2 कॉमन लिया R प्लस प्लस R माइनस √3A, तो R प्लस प्लस R माइनस इक्वल्स टू √3/2A, और A की वैल्यू कितनी गिवन है, तो √3/2 × 387 पिकोमीटर, ये आंसर है। यहाँ क्या कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द लिथियम इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम विल बी, बीसीसी स्ट्रक्चर में है और साइड लेंथ गिवन है यानी ए गिवन है और रेडियस पूछा है, तो BCC के लिए अगेन 4R इक्वल्स टू √3A यूज करेंगे फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज है 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, BCC एम्प्टी स्पेस या फ्री स्पेस 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सिलिकॉन शुड बी ड्रॉप्ड सो एज टू गिव पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर अपन ने क्या देखा था, पी मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब 14th ग्रुप एलिमेंट्स में एक कम वैलेंसी मीन्स 13th ग्रुप के एलिमेंट्स की इंप्यूरिटी को मिक्स करते हैं, और अगर एक ज्यादा वैलेंसी यानी 15th ग्रुप की इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, तो यहां अपने पास आंसर हो जाएगा 13th ग्रुप इंप्यूरिटी मींस बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इफ ए स्टैंड्स फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक, देन द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ द स्फीयर्स इन दीज, रेशियो ऑफ रेडिया है किस किस का, SCC, BCC और FCC, तो SCC में अपन पढ़ते हैं क्या 2R इक्वल्स टू A, BCC में 4R इक्वल्स टू √3A और FCC में 4R इक्वल्स टू
रूट टू ए, ये आर वन, ये आर टू और ये आर थ्री। तो आर वन हो गया ए अपॉन टू, आर टू हो गया रूट थ्री ए अपॉन फोर, और आर थ्री हो गया रूट टू ए अपॉन फोर। ये रेशियो फाइंड करना है, ये आंसर आ गया। ये अपने पास नीट के क्वेश्चन से 2008 टू 2018। क्लियर?